नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस की खास पेशकश इतिहास के पन्नों से। तो आइए फटाफट जान लेते हैं कि 18 जून का देश और दुनिया के इतिहास में क्या महत्व है। बात यदि आज की तारीख यानी 18 जून की करें तो यह अपने साथ कई सारे ऐतिहासिक तथ्यों को समेटे हुए है। आज ही के दिन सन 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हल्दीघाटी का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवार और धनुधारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर का राजा मानसिंह प्रथम ने किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला। आज ही के दिन सन 2003 में गूगल ने इंटरनेट प्रोग्राम एडसेंस पेश किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एडसेंस गूगल का एक प्रोडक्ट है जो कि पब्लिशर के वेबसाइट या ब्लॉग पर ऑटोमेटिक टेक्स्ट, इमेज और वीडियो एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। यदि आपकी ब्लॉग एडसेंस अप्रूव है तो आप अपने ब्लॉग पर एड डाल सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। यह रोज आपके एड्स कितनी बार देखे गए इसके हिसाब से पैसा देता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को आज ही के दिन सन 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्वामीनाथन को यह पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए दिया गया था। सन 1946 में आज ही के दिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाल के शासन से आजादी के लिए पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के आज़ादी के 14 वर्ष बाद भी गोवा हमारे देश का अभिन्न हिस्सा नहीं था, क्योंकि वहां पर पुर्तगाल सरकार की शासन थी। आखिरकार 1961 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर भारतीय सेना ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराई। ऑपरेशन विजय के दौरान पुर्तगाली सेना को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण भी करना पड़ा था। सबसे आखिर में आज ही के दिन सन 2009 में नासा ने चांद पर पानी की खोज के लिए टोही विमान भेजा। तो यह थी कुछ रोचक और मजेदार जानकारी जो आपने जानी। यदि आप चाहते हैं कि हम आप तक ऐसे ही अपडेट पहुंचाते रहें तो आप YouTube पर डी पीपल वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिए और देखते रहिए डी पीपल वॉइस की खास सेगमेंट इतिहास के पन्नों से। धन्यवाद।